दिल्ली के दिल यानी नॉर्थ प्लेस में दिल्ली बीजेपी ने ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का मॉडल बनाया है। दिल्ली बीजेपी का यह आरोप है कि यह जो आवास है जनता के पैसे से बनाया गया है, तो ऐसे में तमाम है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार मुख्यमंत्री के आवास के इस मॉडल के साथ सेल्फी खींच रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाजिया इल्मी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। शाजिया, आप लोगों ने ये मुख्यमंत्री आवास का मॉडल यहाँ पर बनाकर रखा है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो इंसान कहता था कि ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कोई आय लूंगा, ये देखिए कैसा बड़ा सुल्तान बन गया और कैसा शीश महल बनाया उसने। 70 करोड़ रुपए का खर्चा कोविड महामारी के दौर पर, आप देखिए दीवारों पर 4 करोड़, कमोड्स पर, बाथरूम पर 5 लाख, मार्बल पर 6 करोड़, इंटीरियर्स में 11 करोड़ और पर्दों पर 1 करोड़। कौन करता है शख्स ऐसा? और उसको तो छोड़िए आप, अभी शराब घोटाले में पूरी तरह से संलिप्त हैं। शराब पॉलिसी लाए इसलिए कि मुनाफाखोरी हो, शराब पॉलिसी लाए इसलिए कि खूब कमीशन मिले प्राइवेट खिलाड़ियों को, और वो प्राइवेट खिलाड़ी जो है इनको दें किकबैक्स, इनको दें रिश्वत, और जब चोरी पकड़ी गई तो औरों को चोर बोल रहे हैं। वो जो उपवास आज हो रहा है वो मजाक है, वो उपहास है। वो अन्ना हजारे आंदोलन में हम सब मौजूद थे, आपको याद होगा, वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये इसलिए है ये उपवास भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए और भ्रष्टाचार के लिए। साजिया, ये दिल्ली की जनता को आप लोग मॉडल दिखा रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं सामूहिक उपवास पर बैठे हुए जंतर मंतर पे, तो ये उसी का जवाब मानकर चले? नहीं, ये हम लोग ये शीश महल के इस मॉडल को लेकर जगह जगह जाएंगे, उनकी जो असलियत है वो बताएंगे, बताएंगे कितने फरेबी और झूठे हैं वो, बताएंगे शराब घोटाले के सारे जो ठोस प्रमाण हैं उनके बारे में भी, और बताएंगे किस तरह से उपवास में बैठे हैं जानबूझ के जंतर मंतर में, क्योंकि वो जानते हैं कि रामलीला मैदान में कोई आने वाला नहीं है, वो बड़ा ग्राउंड है, ये छोटा ग्राउंड है। और अपने को लोकसभा के दावेदार मांग रहे हैं, वहां पे तो उनका एक भी वो नहीं है सदस्य। लोकसभा का एक जो था आम आदमी पार्टी का एमपी, वो तो परेशान हाल होकर भाजपा में आ गया है, तो किस मुंह से वो दावेदारी क्या की बात कर रहे हैं? काफी मुसीबत में पहले से आम आदमी पार्टी, और आप लोग लगातार एक के बाद एक मॉडल पेश कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग भी। बिल्कुल जरूरी है सीधी सादी जनता को बताना कि कितना फरेबी आदमी है ये, किस तरह से उसने अन्ना हजारे मूवमेंट को हाईजैक कर अन्ना हजारे की पीठ में छुरा भोंक कर कैसे एक पार्टी बनाई और झूठ बोल के कैसे पार्टी बनाई, और आप प्रमाण देखिए उसके। अब आप लोग इस मॉडल को लेकर लोगों के घर भी जाएंगे, यानी डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे? जी, गली गली, सड़क सड़क, कूचे कूचे हम जाएंगे और बताएंगे सुल्तान साहब के बारे में और उनके शीश महल के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी की वरिष्ठ नेता है शाजिया इल्मी, उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के इस मॉडल को लेकर लोग जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली से कैमरामैन नागेंद्र के साथ श्वेता गुप्ता।